हेलो स्टूडेंट, मैं चूरामणि कुमार लेके आया हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अगला टॉपिक, जो कि बेसिकली रिलेटेड है इसके लास्ट वाले लेक्चर से। मींस जो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हमने पढ़ा था, उसके क्या एडवांटेजेस है, मींस क्या बेनिफिट है हमें और क्या नुकसान है उसके, इसके बारे में जानने के लिए। और इसके बाद आज के क्लास में हम देखेंगे कि क्या एडप्टेशन हुए हैं, क्या एडप्टेशन हुए हैं प्लांट्स में, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में, सेल्फ पॉलिनेशन होने वाले प्लांट्स में क्या क्या एडप्टेशन होने चाहिए, कंट्रीवांसेस होने चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि ये क्या करेगा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। इस ट्रू ब्रीडिंग लाइन को हम प्योर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर लाइन भी बोलते हैं। अब सिंपली मैं बता दूं, आपने 10 क्लास में होमोजाइगस कंडीशन देखा होगा, पढ़ा हुआ। मोर और लेस, जब हम सिंपल सी बात मैं बोलता हूं कि किसी भी प्लांट में, किसी एक प्लांट में ऑल जीन्स है ना, जब क्या बेसिकली जो हमारे लिए डिजायरेबल हो उसकी बात कर रहा हूं, तो ऑल डिजायरेबल जीन्स जब क्या होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, क्या होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलेंगे और प्योर लाइन बोलेंगे, और प्योर लाइन बोलेंगे। इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं, है ना। हमारे पास क्या था, हम जो लिखते हैं ये कैपिटल टी पढ़ा है हमने 10 क्लास में, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है, है ना। तो ये जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट हम लिख रहे हैं, हमारे लिए मान के चले कि हमारे लिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर है डिजायरेबल है, वो क्या है कि ये टॉल होना चाहिए, ड्वार्फ होना चाहिए, जो भी है इसका हाइट। तो ये कंडीशन जो है, जो ये होमोजाइगस कंडीशन है ना, ये एक्चुअल में क्या है, प्योर लाइन है, क्या है, प्योर लाइन है, या फिर ये ड्वार्फ है, ठीक है, ये ड्वार्फ है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये भी होगा टॉल, लेकिन ये क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, ये क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, ठीक है। अब ये मेंटेन कैसे करता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं कि हमने क्या किया। मेरे पास डिजायरेबल कैरेक्टर क्या था, ये तो मैंने एक पालू देख लिया कि किसे हम बोलते हैं प्योर लाइन, ये मेंटेन कैसे करता है ये अब देखो। हमें क्या था कि हमने बोला कि टॉल जो था गार्डन पी हमें चाहिए, यही मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होना चाहिए उसका, है ना। और इसके क्या बनाने हैं, प्योर लाइन बनाने हैं, क्या बनाने हैं, प्योर लाइन, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास टॉल आए, तो टॉल कुछ भी आ सकता है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आ सकता है, है ना। अगर ये रहा तो कितना अच्छा हो, वो ये कैपिटल टी ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये रहा, ये कैपिटल टी ईच एंड एवरी जनरेशन चला जा रहा है ना,
तो यही मेंटेन यही क्या है, कैपिटल टी को प्योर लाइन को हमने क्या किया है, मेंटेन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हमने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाई। तो जब सेल्फिंग करवाएंगे, दो अलग अलग कंडीशन हमारे पास यहाँ मिला था ना, चलो तो दोनों कंडीशन को हमने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे इलस्ट्रेट करते हैं। कैपिटल टी है, एक टॉल ऐसा मिला था, दूसरा टॉल क्या मिला था हमको, ऐसा मिला था। अब इसमें करवाना क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, मतलब इसको किससे करवाना है, कैपिटल टी वाले से, और इसको करवाना है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से, मतलब यही है। अब यहां से जब भी बनेगा तो कैपिटल टी बनेगा, कुछ भी हो। अब यहां से हमारे पास क्या बना, चार बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये मिले। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, जैसे ही ये ड्वार्फ मिला, इसको मैंने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया, इसको मैंने लिया ही नहीं क्योंकि लंबे चाहिए मुझे। अब इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया है ना, और मैंने इसका नंबर दे दिया ए बी सी, सपोज ऐसे मान गए है ना कि प्लांट ए, चार ही प्लांट मिले थे, एक प्लांट को ए, दूसरे को बी, एक तीसरे को सी। अब इससे ईच वन से शायद मुझे हो कि ए से 100 सीड मिले हो, क्या मिले हो, 100 सीड मिले हो। तो 100 में मैंने क्या किया, कुछ सीड को रख लिया है ना, कुछ सीड को रख लिया, बाद में वो हमेशा रखा जाता है, तो मतलब 120 हुए तो 20 सीड मैंने रख लिए, 100 सीड को मैंने क्या किया, लगा दिया। ऐसा ही सब में हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक से लेके हमने क्या किया, 100 तक नंबरिंग कर दी। बी भी है तो उसमें भी 100 सीड लगाए, और इसमें भी एक से लेके 100 तक नंबरिंग कर दी। सी का भी सेम प्रोसेस है, हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया है ना। अब इसका यूज जो प्लूग ब्रीडिंग लाइन का है, इसका यूज कौन करते हैं ये मैं बता दूं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यूज करते हैं, साइंटिस्ट। अब इसका यूज कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, एक है, मैंने क्या देखा कि ए का जो हमने सीड लिया था इसमें सारे के सारे हमें टॉल मिले है ना। दूसरे कंडीशन में हमें बी में या फिर सी में क्या मिला, 75% क्या थे, दोनों में टॉल थे। 75% मतलब 100 सीड मैंने लगाया था तो इसमें 100 के 100 क्या थे, टॉल थे, इसमें 75 टॉल थे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें भी हमें 75 टॉल मिला। तो यहां जैसे ही 100 टॉल मिलेगा तो इसको बस एक बार बाकी चीज के लिए मैं ट्राई करूंगा कि वो क्या बाकी चीज उसमें कैसा है ये देखने के लिए, बाकी फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये टॉल के लिए यहीं पे ये क्या है, प्योर लाइन बन गया। और वापस से क्या हुआ, यहां से ये क्या था, इम्प्योर था, हाइब्रिड था, तो इस हाइब्रिड से मुझे क्या मिला, एक प्योर लाइन मिल गया है। तो ये प्योर लाइन मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे अगर छोड़ देते उसको तो ये प्योर लाइन नहीं बन पाता है ना। तो ये प्योर लाइन को मेंटेन करने में, ट्रू ब्रीडिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसकी जरूरत हमें क्यों है, ये क्यों है। अब सिंपल सा मैं एग्जांपल एक पूछता हूं आपसे, आम का सीजन आ रहा है ना, कोई भी पौधा लेते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली नॉर्मली जनरलाइज टर्म में हम बात कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए,
अच्छी होनी चाहिए, और ना उसमें कीड़े मकोड़े या फिर जो डिजीज पेस्ट लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए, कम लगने चाहिए। मीन्स उसका डिजीज रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। एक ना हमारे पास बहुत अच्छा ऐसा ही कोई पेड़ है मैंगो का, आप इसको रखना चाहोगे कि नहीं रखना चाहोगे, है ना? तो सेम चीज को रखने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं वो एक्चुअली में क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए क्या होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए। ठीक, अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट, अब दूसरा क्या हो सकता है इसका, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, ये क्या करेगा, ये डिस्कार्ड करेगा, डिस्कार्ड द अनडिजायरेबल जी, या फिर इसका उल्टा मैं लिख दूं तो क्या करेगा, एक्यूमुलेट डिजायरेबल। इसका भी हम उसी से बात करते हैं, हमारे पास क्या था, टॉल था प्लांट, है ना? हमारे पास क्या था कि मैंने क्या किया, मैन्युअली करवा के टॉल प्लांट ले। अभी इस टॉल प्लांट से क्या हुआ, हमें सेल्फिंग करवाया ऐसे, अब यहाँ पे क्या चांसेस है कि ये कैपिटल टी भी हो सकता है ना? दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, इसमें देखो अच्छा वाला क्या है, ये कैपिटल टी वाला है, खराब वाला क्या है, स्मॉल टी वाला है ना? तो ये क्या कर रहा है, इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये क्या कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा अनडिजायरेबल जीन को। तो ये हमारे लिए अनडिजायरेबल था, इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया दूसरे में। ये बस मैं प्रोबेबिलिटी की बात बता रहा हूं, ऐसा कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा, या फिर ऐसा होना ही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये जो है ऐसा होना ही है, होना ही चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं, है ना? ये प्रोबेबिलिटी, एक चांसेस है कि क्या हो कि अनडिजायरेबल जीन डिस्कार्ड हो जाए, या फिर जो डिजायरेबल जीन था, क्या था डिजायरेबल जीन, ये कैपिटल टी के क्या हो गया, एक ही जगह आ गया है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। तो यहीं पे क्या हुआ, दूसरा डिसएडवांटेज भी हमें देखने के लिए मिला। तो अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, तो उनके एडवांटेजेस कम है और डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। रीजन ये आपको भी पता है कि हमने क्या किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मूव ही इसीलिए किए थे कि नए जीन का क्या हो, इंट्रोडक्शन हो सके, क्या हो सके, नए जीन का इंट्रोडक्शन हो सके। तो आपको ये बात सुनकर समझ में आ गई होगी, ये सुनकर क्या हुआ होगा, बात समझ में आ गई, यहाँ पे ऐसे डिसएडवांटेज, ये बात समझ में आ गई होगी कि पहला हमारा क्या होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन प्रोहिबिटेड, है ना? अब क्या है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल मैं बता, एक मैंगो का पेड़ है, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, अच्छी है,
लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? खराब है ना। ये क्या है? ए का है कैरेक्टरिस्टिक्स। बी का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? इसी में कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? खराब है। रेजिस्टेंस क्या है? अच्छा है। रेजिस्टेंस क्या है? अच्छा है। तो ऐसा चांसेस हो सकता है, अगर इसको क्रॉस करवाएं तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि जो हमें यहाँ पे ये मैंगो का पेड़ मिले तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो, अच्छी हो और रेजिस्टेंस भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग वैरायटी है, प्लांट के अलग अलग वैरायटी है, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब तक क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, अब जैसे हम अगर बात करें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इसकी प्रोडक्टिविटी हमें प्रोडक्टिविटी क्या थी, कम अधिक। इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, कम। कितना भी चाह ले तो इसको हम बार बार ए से ए को करवाएंगे तो जो ए मिलेगा है ना, तो इसमें हमें प्रोडक्टिविटी और रेजिस्टेंस हम इसका सुधार नहीं सकते हैं। तो बाहर से जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये बात याद रखेंगे। अभी फिर से इसको हम डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन जो होता है वो प्रोहिबिटेड हो जाते हैं, है ना। और सेल्फ पॉलिनेशन काफी टाइम, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी डीमेरिट आ जाती है जिसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इसका सिंपल मैं एक जवाब देता हूं कि कुछ जीन जो होते हैं, है ना, सम जीन्स और ट्रेट आर एक्सप्रेस या फिर एक्सप्रेसेस इन प्योर कंडीशन। ये प्योर कंडीशन कहने का मतलब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने, हमारे पास क्या था शुरू में जब प्लांट लिया था, वो कैपिटल टी स्मॉल टी था। ये कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्या किया, क्रॉस करवाया। क्रॉस क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, दैट मीन सेल्फिंग करवाया। तो हमारे पास क्या हुआ, कैपिटल टी मिला, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी मिले दो, और स्मॉल टी भी मिले। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो था हमारे लिए अनडिजायरेबल जीन था, इस ये क्या हो गए, आ गए। ये क्या हो गए, आ गए। तो एक्चुअली में ये क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन बाय द प्रोसेस ऑफ, ये ऐसे पार्टीशन कर लेता हूं, है ना। तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, और ये हमारा क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे हम लेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, हाइब्रिड फॉर्मेशन।
ना। अब ये समझो क्या होता है। एक मैंगो हमारे पास क्या था, अभी ये एग्जांपल मैं ले चुका हूँ थोड़ी देर पहले, एक दूसरा हमारे पास क्या था बी, इसकी क्या थी प्रोडक्टिविटी अच्छी, इसका रेजिस्टेंस खराब, इसकी प्रोडक्टिविटी खराब, इसकी क्या है रेजिस्टेंस अच्छी, इसको क्रॉस करवाया हमने। क्रॉस से जितने भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ भी हो, है ना, इन दोनों के क्रॉस से जो हमें ऑब्टेन हुआ उसे हम हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। अच्छा हो बुरा हो डजंट मैटर, क्या है वो? हाइब्रिड है। इस हाइब्रिड में क्या है, कोई एक ऐसा है जिसकी क्या है प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी है और रेजिस्टेंस भी क्या है काफी अच्छा है। यही चाहिए थे, प्रोबेबिलिटी है, ये कंफर्म नहीं बता रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी है कि क्या हो कि इस ऐसा हाइब्रिड बन गया जिसमें प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और रेजिस्टेंस भी अच्छा है ना। तो बाकी हाइब्रिड भी तो है इसमें, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा इसमें से 1000 सीड मिला था, बार बार करवाया, 1000 सीड मिला, सबको हमने क्या किया ऐसे लगा दिया, है ना। अब इसमें से क्या हुआ कि एक हमको ऐसा मिला या फिर दो ऐसा मिला जिसमें क्या हुआ प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और रेजिस्टेंस भी अच्छा है, बाकी 998 में प्रोडक्टिविटी है अच्छी है तो रेजिस्टेंस खराब है, ऐसे करके कोई ना कोई डिमेरिट है उसमें, तो डजंट मैटर। हमें जरूरत क्या है इसकी है जो कि प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और रेजिस्टेंस भी अच्छा है, तो ऐसे हाइब्रिड को जो, ये तो हाइब्रिड में भी सुपीरियर है ना, ये क्या है सुपीरियर अमंग हाइब्रिड। तो जब हाइब्रिड में भी जो सुपीरियर होता है, हाइब्रिड में भी जो सुपीरियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विगर बोलते हैं, या फिर हेटरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटरोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेटरोसिस बनाने में भी हाइब्रिड फॉर्मेशन तो करेगा ही, साथ में फॉर्मेशन के साथ क्या हो सकता है, कोई ऐसा बन जाए कि हाइब्रिड विगर बन जाए, तो ये इसका बेसिकली एडवांटेजेस है। और बाकी ऐड ऑन कर सकते हैं कि नए जीन का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस के चांसेस नहीं होंगे, अनडिजायरेबल जीन को हम हटा सकते हैं, तो ये सब बहुत सारे और इसका एडवांटेजेस हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो नेचुरल कंडीशन में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इसमें प्योर लाइन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, प्योर लाइन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब। और डिमेरिट दूसरे ये है कि अगर यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं होंगे, मतलब डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें नहीं होगा पॉलिनेटिंग एजेंट तो शायद पूरा क्रॉप फेल्योर के चांसेस हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बात करते हैं जो कि एडप्टेशन और कंट्री वांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर से स्टार्ट करते हैं,
ये हमारा क्या है, थैलेमस बोले इसको, है ना, या फिर रिसेप्टिकल्स बोले, या फिर क्या बोल सकते हैं, क्लाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लाइन बोल सकते हैं। तो ये क्लाइन वर्ड याद रखिएगा, है ना। अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है, बाइसेक्शुअल डॉग। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा पिस्टिल है और ये जो हमारा क्या है स्टैमेन है, दोनों सेम थैलमस पे प्रेजेंट है। क्या है, सेम थैलमस पे प्रेजेंट है, मतलब थैलमस क्या है, एक ही है। बाइसेक्सुअल कंडीशन में कितने थैलमस है, एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लाइनी बोलेंगे, मतलब मोनोक्लाइनस फ्लावर बोलेंगे। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लाइनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोक्लाइनी बोलेंगे, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या चांसेस है कि पॉलिनेशन सेल्फ ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा है। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन कि बाइसेक्सुअल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाइसेक्सुअल क्या है, थैलमस हमारा, उसे हम क्लीन बोलते हैं, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन में थैलमस का नंबर क्या है, एक ही है, इसलिए ये क्या है, मोनोक्लाइनस फ्लावर है। इस कंडीशन को मोनोक्लाइनी बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं सिंपल सी बस बात बता रहा हूं, इसके बारे में आप पढ़ोगे भी, अगर हम बात करें, ये हमारा क्या था, थैलमस था, ये थैलमस। हमारे पास क्या हुआ कि ऐसा कंडीशन है कि फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, सेपरेट थैलमस है, है ना, मीन ये क्या है, ये हमारा क्या, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन में थैलमस का नंबर कितना है, दो है, इसलिए यूनिसेक्सुअल कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाइक्लाइनी बोलेंगे, है ना। ये आपको पढ़ना है वहां, है ना, क्रॉस पोलिनेशन में पढ़ाएंगे इसको। दूसरा क्या होना चाहिए, है ना, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा सिंपल सा बात है कि होमोगैमी होना चाहिए। होमो मतलब सेम, गैमी मतलब मैच्योर होना, यहाँ पे वर्ड का मतलब है, गैमी मींस होता है फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन तो तब होगा ना जब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है, वेन मेल एंड फीमेल पार्ट, दैट मीन्स मेल को हम क्या बोलेंगे, स्टैमेन एंड पिस्टल, मैच्योर एट सेम टाइम और इन सेम पोजीशन,
मतलब दोनों का मैचुरेशन क्या हो, एक ही समय पे हो, दोनों का मैचुरेशन क्या हो, एक ही समय पे हो, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, होमोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोगैमी बोलेंगे। गॉट इट। पहला हमारे पास क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए। बाइसेक्सुअल में मतलब क्या, थैलमस का नंबर वन है इसलिए मोनोक्लाइनिक कंडीशन, ठीक। होमोगैमी मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट जो प्रेजेंट था बाइसेक्सुअल फ्लावर में, दोनों सेम टाइम पे क्या हो, मैच्योर हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, होमोगैमी बोलेंगे। अब हमारे पास क्या है, तीसरा कंडीशन हमारे पास जो है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का है। जब क्लिस्टोगैमस फ्लावर का कहने का मतलब क्या होता है, डू नॉट ओपन फ्लावर, वैसा फ्लावर जो कभी ओपन ना हो, है ना, फ्लावर हटा दे, डू नॉट ओपन, या फिर अदर वर्ड में क्या है, एंथेसिस डज नॉट अकर्स, वैसा फ्लावर जिसमें एंथेसिस नहीं होता या फिर कभी ओपन ही नहीं होता है, ठीक है। क्या है, जितने भी जो ग्राउंड नट वगैरह देखते हैं नीचे में ऐसे स्ट्रक्चर है, ग्राउंड नट जो मूंगफली खाते हैं, वो क्या है एक्चुअली में, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के कारण क्या होगा, कंडीशन होता है ये प्लांट हमारा। अब यहां पे क्या है, अगर जमीन के नीचे है, मोस्टली क्लिस्टोगैमस कंडीशन क्या होता है, जमीन के नीचे होता है, तो जमीन के नीचे अगर ओपन भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट कहां से मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए वो क्लोज ही होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमें अंडरग्राउंड ही मिलते हैं, बिलो द सॉइल सरफेस ही मिलते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन यहां पे आता है, चेजमोगैमस, है ना, तो ये फ्लावर उसको बोलते हैं, इनको ओपन फ्लावर बोलते हैं, और ये जो हमारा होता है क्लोज फ्लावर होता है। क्या होता है, क्लोज फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। और ये चेजमोगैमस मतलब इसमें एंथेसिस होगा, एंथेसिस अकर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस, ठीक है, कभी ओपन नहीं होंगे, मींस इसमें क्या होगा, एंथेसिस नहीं होगा। एंथेसिस का मतलब क्या है, एंथेसिस होता है ये जिसमें एंथेसिस होगा उसको ओपन फ्लावर बोलते हैं। एंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, है ना। अब क्या है, कुछ एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉमनली नाम है ना, वाला जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं एंड ऑक्सेलिस। ये तीन ऐसे प्लांट हैं जिसमें चेजमोगैमस फ्लावर भी मिलता है देखने के लिए, मतलब ऐसे ओपन फ्लावर भी मिलेंगे देखने के लिए, है ना, और ऐसे क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड फ्लावर भी देखने के लिए मिलेंगे, है ना। कॉमेलिना, वायला और ऑक्सेलिस जो है चेजमोगैमस फ्लावर भी मिलेंगे उसमें देखने के लिए, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी देखने के लिए मिलेंगे। एनसीईआरटी जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरिजन टू दूसरे एग्जांपल, इसलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल पे ही हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे।
तो एक क्लिस्टोगैमस कंडीशन हमारा हो गया, क्लिस्टोगैमी फ्लावर होगा, तो वो क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड पॉलिनेशन। मतलब क्या हो कि पॉलिनेशन, क्या हो कि पॉलिनेशन अकर्स बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर ओपन होगा लेकिन क्या हो कि पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन वाला जो काम है वो क्या हो जाए, ओपनिंग ऑफ फ्लावर होने के पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छा। एग्जाम्पल क्या है, राई से वीट है, टोमेटो, तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये, इसके फ्लावर ओपन तो होते हैं लेकिन कब होते हैं ओपन, जब पॉलिनेशन हो जाता है और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इंट्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद ओपन होता है, ठीक, क्लियर। तो ये बर्ड पॉलिनेशन वाला कंडीशन भी किसे प्रमोट करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। अब एक स्पेशल केस हमें देखने के लिए मिलता है, आपने 11th क्लास में एक फैमिली पढ़ी होगी, एक फैमिली पढ़ी होगी, उस फैमिली का नाम फैबेसी था। इस फैबेसी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या देखने के लिए मिलते थे कि इनके जो पेटल्स थे, क्या थे, पेटल्स थे, इनका जो एस्टिवेशन था, क्या था, एस्टिवेशन था, मींस अरेंजमेंट जो थे, ठीक है, वो क्या था, विक्सिलरी था, जिसके कारण क्या होता था, एक कील, एक कील नाम का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता था, और ये कील क्या करता था, ये क्लोज द फ्लावर, ये फ्लावर को क्या करता था, क्लोज कर देता था, जिसके कारण क्या होता है था, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल तो ये फैबेसी है ही, ऐसे अगर आपको देखना है तो ये बीन्स हो जाएंगे, ठीक है, या फिर गार्डन पी हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, आज हमने क्या पढ़ा कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और उसके बाद हमने देखा एडेप्टेशन एंड कॉन्ट्रीवांसेज ऑफ जो चेंजिंग है या फिर क्या उसके अंदर होना चाहिए, किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वो चीज हमने देखा। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में।